हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ होम साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर, जो आपके एग्जाम पीजीटी टीजीटी एलटी ग्रेड में लाभदायक रहेगा। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग हो जाने से हमें उसके आंसर पर सही निशान लगाना पड़ता है कि एग्जैक्टली कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। पोषण विज्ञान पार्ट वन, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन साइंस। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 151, कुछ मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताओ। इसका उत्तर होगा कार्बोस, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। क्वेश्चन नंबर 152, ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कौन से हैं? ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व हैं कार्बोस, वसा और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 153, शरीर निर्माणक पोषक तत्व कौन से हैं? शरीर निर्माणक पोषक तत्व हैं प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल। क्वेश्चन नंबर 154, सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं विटामिन, खनिज लवण तथा जल। क्वेश्चन नंबर 155, नियामक पोषक तत्व कौन से हैं? नियामक पोषक तत्व होते हैं जल व फोक। फोक क्या होते हैं? फोक की प्राप्ति के साधन हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाले अनाज व दालें। क्वेश्चन नंबर 156, अंडे में पाया जाने वाला पायसकारी एजेंट कौन सा होता है? उसका उत्तर होगा लेसिथिन। क्वेश्चन नंबर 157, वसा अवशोषण की अवस्था का क्रम क्या है? वसा अवशोषण की अवस्था का क्रम है एस्टेरिफिकेशन, शैलोमाइक्रोन फॉर्मेशन, इमल्सिफिकेशन, म्यूकोजल अपडेट। क्वेश्चन नंबर 158, गर्भवती स्त्री में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? गर्भवती स्त्री में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है 15 mg, यानी 15 mg। क्वेश्चन नंबर 159, गर्भवती स्त्री में विटामिन सी की कितनी आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है 50 to 80 mg। क्वेश्चन नंबर 160, विटामिन ए का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक सूत्र C20H29OH। क्वेश्चन नंबर 161, विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या है? विटामिन सी का रासायनिक सूत्र है C6H8O6। क्वेश्चन नंबर 162, मोनोसैक्राइड्स का आधारभूत सूत्र क्या है? मोनोसैक्राइड्स का आधारभूत सूत्र है, ये होल में रखेंगे CH2O और होल में रख के फिर N। क्वेश्चन नंबर 163, डाइसैक्राइड्स का रासायनिक सूत्र क्या है? डाइसैक्राइड्स का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। इसको आधारीय या आधारभूत सूत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 164, ओमेगा 3 वसा अम्ल कौन सा होता है? ओमेगा 3 वसा अम्ल होता है लिनोलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 165, आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से जो बच्चों में रोग होता है वो होता है क्रेटीन। मानसिक तथा शारीरिक विकास से क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग को हम कहते हैं क्रेटीन। क्वेश्चन नंबर 166, 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़के को और लड़की को कितने ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है लड़कों को कितनी होती है 60 ग्राम और लड़कियों को होती है 63 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 167,
सेल्युलोज का पूर्णतया पाचन कौन कर पाता है? सेल्युलोज का पूर्णतया पाचन खरगोश या शशक करता है। मुख्य तथा स्तनधारियों में प्रमुख वसा संचय त्वचा के ठीक नीचे एक अंतस्तरीय त्वचीय वसा स्तर के रूप में होता है। इस संचयन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, इस संचयन को पेनिकुलस एडिपोसस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 169, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल है लाइनोलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 170, ऑलिगोसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स के कितने अणु होते हैं? इसका उत्तर होगा 2 से 10 अणु। क्वेश्चन नंबर 171, शुद्ध सेल्युलोज कौन कौन से होते हैं? शुद्ध सेल्युलोज होते हैं कपास तथा कागज। क्वेश्चन नंबर 172, सेल्युलोज किसका बहुलक है? सेल्युलोज किसका बहुलक है? इसका उत्तर है ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 173, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे वर्जीलियस ने, और कब किया था? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 174, वसा किससे निर्माण किसके निर्माण में सहायक होती है? वसा प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 175, संतृप्त वसा की अधिकता से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? संतृप्त वसा की अगर अधिकता होगी तो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हमने आपको पहले ही बताया है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा जो हृदय जो होता है उसमें ब्लॉकेज होती है और जिसके बेस में और जिससे अवरुद्ध हो जाती है और हार्ट अटैक की बीमारी भी हो जाती है। तो जनरली हार्ट अटैक की बीमारी किससे होती है? जब कोलेस्ट्रॉल हम लोगों के शरीर में बढ़ जाता है और हमारी जो धमनियाँ होती हैं हृदय की, वो अवरुद्ध हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।